पाकिस्तान के बाद सूबों के जो इलाके जो पीछे रह गए हैं उनकी गिले और शिकायत की ये बुनियाद है कि अफसरशाही को इससे कोई गर्ज नहीं कि जनाब उन सूबों को भी हमने तरक्की की दौड़ में आगे लेके चलना है, शामिल करना है, कि इस बहाने कि जनाब इनलैंड फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई। मैंने कहा मैं जानता हूँ वो जो कार्टल जो हैं जो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट तरक्की करे, ये इनके पीछे उनकी करिश्मा साजी है, मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा। हमने जो बास गंदम की जो सौदे किए थे उसमें मुतलका जो वजीर हमारे कॉमर्स हैं जनाब सैयद नवीद कमर और उनके जो स्टाफ है फिर फूड सिक्योरिटी के, उन्होंने मिलकर बड़े मेहनत से गंदम की अपना जो कम से कम कीमतें ली, लेकिन सबसे कम बोली देने वाले से भी पर हमने उनसे मज़ीद कीमत कम कराई, जो कि कानून जिसकी कोई हमें पाबंदी नहीं करता, वो हमने चंद अरब रुपए हमने बचाए। मैंने कहा चलो अगर तुम्हें इतनी तुम्हें तकलीफ है कि गवादर से इनलैंड कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये जो हमने बचत की थी समझ लो कि ये बचत वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगी। खुदारा जानो कि पाकिस्तान की बुनियाद है इन इकाइयों के ऊपर जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी है, पंजाब है और शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर। अगर हमने इनको तरक्की की दौड़ में शामिल ना किया और आने बहाने इनको पीछे रखा तो फिर कायद का पाकिस्तान कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। मैं यहाँ पर ये ऐलान करना चाहता हूँ कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तरक्की वही होगी जो महरूम इलाकों को आगे लेके चलेगी।